नमस्कार। इस वीडियो में आप बहुत ज़रूरी किचन टिप्स और ट्रिक जानेंगे जो कि आपके रसोई के लिए बहुत काम आने वाला है। तो चलिए पहला वाला टिप्स देखेंगे। जब भी आप नॉनस्टिक पैन में डोसा बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ऑयली हो जाता है और साफ़ करने में इसका जो कोटिंग है निकल जाता है। तो जब आप बनाएं तो इससे पहले आप गर्म कर लें नॉनस्टिक तवे को और किसी भी टिश्यू पेपर से इस तरह से साफ़ कर लें तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। या फिर बनाने से पहले आप ये ट्रिक अपनाएं या फिर बनाने के बाद आप ऐसे गर्म तवे पे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है, उसके बाद आप इसके ऊपर डोसा बनाएं तो ये बहुत अच्छे डोसा बनता है और चिपकता भी नहीं है और आपका जो पैन है वो भी साफ़ रहता है। तो ज़रूर ये वाला टिप्स आप अपना कर देखिए। सेकंड वाला टिप्स है, चटनी जार में आप कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि नमक डालने से चटनी जार ख़राब हो जाता है। जब भी आप चटनी बनाएं तो बिना नमक के चटनी बनाएं और उसके बाद आप चटनी बनाने के मतलब ग्राइंड करने के बाद आप इसमें नमक मिलाएं, तो ऐसे करने से आपके चटनी जार जो है सुरक्षित रहेगा, ख़राब जल्दी नहीं होगा। तीसरा वाला टिप्स है, जब भी आप नॉनवेज खाते हैं या धोते हैं साफ़ करते हैं तो बहुत गंदा स्मेल आता है, तो इसमें जाता नहीं है। तो इसमें गर्म पानी एक कटोरी में ले लीजिए, हल्का गर्म होना चाहिए। इसमें जो है नींबू दो चम्मच रस मिलाएं, नींबू का रस, और अपने हाथों को दोनों हाथों को इसमें डुबो के धो लीजिए। तो ऐसे में जो है जो नॉनवेज का स्मेल नहीं रहेगा और हाथ भी साफ हो जाएगा। और ये वाला टिप्स है, आप करी पत्ता की स्टोर करने के तो बहुत सारे टिप्स देखे होंगे लेकिन ये वाला मैं दूसरे तरीका बताऊंगी। करी पत्ता को इसका डंठल निकाल लिया है और अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और पानी को पोंछ लिया है। उसके बाद करी पत्ते को देखिए पानी नहीं है, अच्छे से बड़े वाला भगोने में आप धो के कोई भी पेपर के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद इसको जिप लॉक पाउच में डालना है, ऐसे जिप लॉक एक पाउच ले लीजिए और इसमें डाल के आप इसको लॉक करके रखिए ताकि ये जो है, मैंने इसको रख के 3 से 4 दिन हो गया है, मैं अभी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो ऐसे रखने से आपका जो करी पत्ता कम से कम 10 दिन तक फ्रेश रहता है। इसी तरह से आप दूसरे भी जो लीफी वेजिटेबल है इसको आप स्टोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें। थैंक यू।